सुप्रभात बच्चों, आज हम वसंत के कबीर दास की साखियाँ नामक पाठ के अंतर्गत कबीर की साखियों के अर्थ जानेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा कबीर दास जी के विषय में जानते हैं कि कबीर दास जी कौन थे। कबीर दास का जन्म 1398 के आसपास काशी नामक स्थान पर हुआ था। उनके गुरु रामानंद थे। उन बहुत से लोगों का कहना था कि काशी में मरने वालों की स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने वालों को नरक मिलता है। इसी धारणा को ख़त्म करने के लिए कबीर दास जी कहाँ पहुँच गए थे बेटा? मगहर पहुँच गए थे। और मृत्यु के समय उनके मगहर में होने के कारण 1518 के आसपास उनकी मृत्यु मगहर में हुई। अब हम इन साखियों को पढ़कर उनके अर्थों को जानेंगे। तो पहली साखी है हमारी, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, पड़ार मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। तो बेटा इसका अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कभी भी साधु की जाति को नहीं पूछना चाहिए, जाति को उनके बारे में नहीं जानने की कोशिश करनी चाहिए। हमें क्या जानना चाहिए? उसकी ज्ञान को, उसके ज्ञान को हमें जानना चाहिए। क्योंकि उनका मानना था कि साधु व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति तो जाति पाति से ऊपर उठ जाता है, वे तो ईश्वर में ही लीन रहता है। और ऐसे लोगों की ज्ञान से ज्ञान की बातें अधिकाधिक ग्रहण कर लेनी चाहिए, जिनसे कि जिनके पास बहुत सारा ज्ञान होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे तलवार में मोल करो तलवार का, यानी कि जब हम किसी तलवार को खरीदने जाते हैं तो हम तलवार के विषय में जानते हैं, ना कि उसके म्यान के विषय में। उसी प्रकार हमें ज्ञान के विषय में जानना चाहिए, उस साधु के विषय में नहीं जानना चाहिए कि वो किस जाति का। साधु किसी भी जाति का हो, हमें तो उसके ज्ञान से मतलब। हमारे इस पाठ में दूसरी शाखी है, आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। तो बेटा आवतकारी यानी कभी हमारी किसी से झगड़ा हो जाता है और वो हमें अपशब्द बोलता है, गाली के रूप में कोई भी शब्द बोलता है, तो वो एक होता है। लेकिन अगर हमने उसको वापस से फिर कोई गाली दे दी, कोई अपशब्द बोल दिया, तो बेटा क्या होगा कि वो शब्द बढ़ जाएंगे। जैसे हमने एक दिया, फिर उसने हमें दूसरा भी दे दिया, फिर वो क्या शांत बैठेगा? फिर भी वो दूसरा बैठन करेगा, तो इस तरह से वह अनेक हो जाएगी। कबीर दास जी कहते हैं कि अपशब्द बढ़ने के बजाय, हमें अपशब्दों को बढ़ाने के बजाय हमें क्या करना चाहिए? शांत हो जाना चाहिए। तो वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाते हैं और वह एक की एक रह जाती है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनवा तो दस दिस फिरे, ये तो सुमिरन ना है कबीरा। इस दोहे यानी इस साखी या इस दोहे के में कबीर दास जी कहते हैं कि हमारा मन प्रभु की भक्ति में नहीं लगता है, क्योंकि हमारा मन जो है वो इधर उधर भागता फिरता है, वह कभी एकाग्र होकर रहता ही नहीं है। माला तो कर में फिरे, माला हमारे हाथों में
फिरती रहती है, हम उसे घुमाते रहते हैं। जैसे कि कभी हमने देखा होगा कि अपने घर में बैठे हैं, दादी माँ हमारी पूजा कर रही हैं, राम 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 राम, ये काम कर लेना। इस तरह से हमारे बहुत से लोग हैं जो माला, तो उनका कहना है कि माला तो हम हाथ में फिराते रहते हैं, और जीव, जीव की सीमा कितनी है? मुँह। वह जीव में, जीव जो है वो हमारे मुँह के अंदर घूमती रहती है। मनवा तो दस, एक मन ऐसा है जो हमारा क्या होता है कि चारों दिशाओं में फिरता रहता है। हम एक क्षण के लिए भी शांत होते हैं तो हमारा मन चारों दिशाओं में घूमता रहता है, वह कभी एकाग्र नहीं होता है। जबकि हमें अगर प्रभु को पाना है तो एकाग्रचित होकर उनकी भक्ति करनी चाहिए, ना कि दिखावा करना चाहिए। कबीर घास ना नीदिए जो पाऊं तल हो, उड़ पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए, कबीरा खरी दुहेली होए। बेटा इसमें कबीर दास ने कभी भी किसी को भी छोटा ना समझने की शिक्षा देते हुए कहा है कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। उसी प्रकार जैसे कबीर दास जी कहते हैं कि घास का एक छोटा सा तिनका समझकर हम घास को पैरों के नीचे दबाते रहते हैं, लेकिन अगर वो तिनका, एक तिनका भी हमारी आँख में चला जाता है, एक सूखा सा तिनका का उड़कर हमारी आँख में चला जाएगा, तो हमें बहुत ही खरी दुहेली हुए, उड़े पड़े जब आँख में, उड़ के जब हमारी आँख में पड़ जाता है तो खरी दुहेली हुए, बहुत पीड़ा होती है। दुहेली माने पीड़ा, खरी माने बहुत, बहुत पीड़ा होती है। तो कबीर दास जी का कहना है कि हमें किसी को भी छोटा समझकर उसका अनादर नहीं करना चाहिए। जग में वैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, या पा को डारी दे दया करे सबको, कबीरा दया करे सबको। इस साखी के माध्यम से कबीर दास जी हमें बताना चाहते हैं कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जब हम घमंड नहीं करते हैं तो क्या होता है कि हमें सभी लोग प्यार करने लगते हैं। जैसे कब जग में वैरी कोई नहीं, कबीर दास जी कहते हैं संसार में हमारा कोई भी वैरी नहीं होता है। जो मन शीतल होए, यदि हम शीतल मन रखते हैं, शांत मन, शीतल माने शांत हो जाता है, अगर हमारा मन शांत है तो हमारा कोई भी शत्रु नहीं होता है। या आपा को डार दे, या आपा को डार दे, यदि दुनिया का हर मनुष्य, यदि हम अपने घमंड स्वार्थ को छोड़ दें, दया करे सब कोई, तो हम बहुत ही दयालु और महान बन जाते हैं। दया करे सब कोई यानी हम पर, हम सभी पर दया करते हैं और सभी हम पर भी दया करते हैं। तो जग में भैरी कोई नहीं, जग में कोई भी हमारा दुश्मन नहीं होगा, अब जो मन शीतल हो, जो हमारा मन शीतल हो जाएगा। या आपा को डार दे दया करे सब कोई, या अगर हम अपने घमंड स्वार्थ जैसी भावनाओं को त्याग दें तो हम बहुत ही महान दयालु बन सकते हैं।